नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की डिस्कस में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि आरएस के द्वारा जो सेलेक्ट कैंडिडेट होते हैं उनको जो ट्रेनिंग के लिए ओटीएस यानी कि हरीश चंद्र माथुर एडमिनिस्ट्रेशन जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो कि जयपुर में स्थित है, ओटीएस जिसे कहते हैं, तो उसके अंदर जो मेंबर्स हैं, जो वहाँ के प्रोफेसर है, जो वहाँ के ट्रेनिंग स्टाफ है, तो उनको किस प्रकार से सिलेक्शन उनका किया जाता है, तो उसके लिए एक यहाँ पे ऑफिशियली नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है जिसका चर्चा हम आज की इस वीडियोस में करेंगे। आपको बता दूँ, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के द्वारा ये नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो कि मैं आपके सामने यहाँ पर रीड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में जो लिखा है वो चीज़ें हम बात कर लेते हैं। देखिए, आर्टिकल 320 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो गवर्नर ऑफ राजस्थान है उसके द्वारा जो फॉलोइंग रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, जिसमें राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन्स की जो लिमिटेशंस हैं, उनकी जो कंडीशंस हैं, उनकी जो फंक्शन है, वो सभी यहाँ पे इसमें अमेंडमेंट किया गया है रेगुलेशन 1951 के अकॉर्डिंग। यहाँ पे शॉर्ट टाइटल्स कमिशमेंट की हम बात करें तो इसके अंदर जो लिमिटेशंस आरपीएससी के द्वारा रखे जाते हैं और उनके द्वारा जो चूज़ यहाँ पे कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग स्टाफ के लिए भेजा जाता है ओटीएस में, तो उसकी यहाँ पे बात की गई। सेकंड हम बात करें तो उन रेगुलेशंस में जो यहाँ पे संशोधन किया गया है वो हम बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग रूल्स जो हैं आरपीसी के द्वारा जो नॉमिनेटेड है तो वो यहाँ पे उसको अमेंडमेंट यहाँ पे किया गया है। उसके अंदर जो भी कैंडिडेट यहाँ पे हरीश चंद्र माथुर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो सेलेक्ट किए जाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं सीनियर प्रोफेसर है, प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो इन पदों के ऊपर इनका जो सिलेक्शन किया जाता है तो उसके लिए यहाँ पे एक कमेटी का जो कमिशमेंट है, जो इनॉग्रेशंस है, उसका जो गठन है यहाँ पे किया गया है। तो उस गठन में जो मेंबर्स यहाँ पे उसका डिसीजन लेंगे, उस पोस्ट पे जो नॉमिनेटेड करने का जो डिसीजन लेंगे, उसमें सबसे पहले चेयरमैन ऑफ राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि आरपीएससी के चेयरमैन होंगे, साथ ही यहाँ पे उसके मेंबर जो हैं उसके द्वारा नॉमिनेटेड जो किए जाते हैं आपको बताइए, और सभी जो कार्य प्रणाली जो है वो गवर्नर ऑफ राजस्थान के अंडर में ये चीज़ें उनको नॉमिनेट किया जाता है। साथ ही यहाँ पे उसके सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट इंचार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन्स के इसके मेंबर्स होंगे, साथ ही एक्सपर्ट जो है जो नॉमिनेटेड किए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा वो उसके एक्सपर्ट में मेंबर्स कमेटी में होंगे, और डायरेक्टर जनरल और आपका हरीश चंद्र माथुर राजस्थान स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो डायरेक्टर जनरल हैं उसके वो जो हैं वो इसके मेंबर सेक्रेटरी रहेंगे। तो आप देख सकते हैं जो कमेटी का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है उसमें आरपीएससी के चेयरमैन ही यहाँ पे इस जो कमेटी को ऑर्गेनाइज़ करेंगे, और उनके अंदर जो पोस्टें हैं जो सीनियर प्रोफेसर की है, प्रोफेसर की है, एसोसिएट प्रोफेसर की है, असिस्टेंट प्रोफेसर की है, उसके ऊपर जो कैंडिडेट्स को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा उस कमेटी में चेयरमैन, मेंबर्स और मेंबर सेक्रेटरीज का यहाँ पे चूज़ इस संशोधन ऑर्डर के अकॉर्डिंग किया गया है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे नियम्स में हाल ही में संशोधन किए गए हैं। अब यहाँ पे इन पोस्टों के लिए भी यहाँ पे इन कैंडिडेट्स से होके इनको गुजरना होगा, तभी यहाँ पे इस ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट है राजस्थान के लिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, यहाँ पे आप ओटीएस इसको कहते हैं, जयपुर में स्थित है, तो उसके लिए जो इन कैंडिडेट्स को यहाँ पे चुना जाएगा, इन पोस्ट के ऊपर जो चुना जाएगा उनके लिए जो कमिटीज़ का ऑर्गेनाइजेशन किया है वो मैंने आपके सामने डिस्कस किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी प्रकार का कन्फ्यूजन, क्वेरीज आपके माइंड्स में, दिए गए कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।